लोग असफल क्यों हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब ये बिजनेस इतना अच्छा है, इसमें इतनी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो लोग इस बिजनेस में क्यों असफल हो जाते हैं। मैं इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन करना चाहती हूं। वैसे तो सफलता और असफलता की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, और नॉर्मली हम यही मानते हैं कि असफल व्यक्ति वही है जिसने अपना बेस्ट दिया बिजनेस में, कई सालों तक अपना बेस्ट दिया, लेकिन उसके बावजूद उसे सफलता नहीं मिली या उस बिजनेस का बेनिफिट वो नहीं ले पा रहा। आमतौर पर एक बिजनेस में कई कॉम्पिटिटर्स होते हैं और सब सेम बिजनेस रन करते हैं, बट सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का, और सब अलग अलग टाइम पे अपना अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। किसी को जल्दी बेनिफिट मिलता है, किसी को थोड़ा लेट और किसी को बहुत ही। लोग किसी भी व्यवसाय में, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ सालों के इंतजार को ही अच्छा समझते हैं, पर जहां नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वही लोग अचानक कुछ दिनों के अंदर अंदर या बिजनेस शुरू करने के कुछ टाइम बाद ही बेनिफिट की उम्मीद करने लगते हैं कि हमें वहां से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है। आप कई लोगों से मिले होंगे जो लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चलता नहीं है, ये बिजनेस किसी का नहीं चलता है, हमें इस बिजनेस के बारे में ऑलरेडी पता है, या मेरे किसी दूर के किसी रिश्तेदार ने ये बिजनेस किया और उन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा। और मैं आपसे बताऊं, ऐसे वही लोग कहते हैं जिन्होंने जस्ट कंपनी के कुछ ही प्रोडक्ट्स को यूज किया, कुछ ही एक आध मीटिंग्स को अटेंड किया, कुछ ही सेमिनार्स को अटेंड किया, और कुछ टाइम बाद उन्होंने इस बिजनेस से बैकआउट कर दिया, इस बिजनेस को छोड़ दिया, और फिर उन्होंने अपनी ये मेंटालिटी बना ली कि ये बिजनेस नहीं चलता है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ फ्रेंड्स, जो लोग ये बोलते हैं उन्होंने इस बिजनेस को कभी चलाने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए वो असफल हो गए। उन्होंने इस बिजनेस में कभी अपने 4 से 5 घंटे दिए ही नहीं, कभी 2 से 3 मीटिंग अटेंड नहीं की उन्होंने, कोई सेमिनार्स नहीं अटेंड किए, तो फ्रेंड्स वो सक्सेसफुल कैसे होंगे। प्रोडक्ट्स खरीदना कोई बिजनेस नहीं है, या कुछ लोगों से बात करके उस बिजनेस को टेस्ट करना बिजनेस बिल्डिंग नहीं है, ऐसे आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांतों और काम करने के तरीकों का पालन करने को आप तैयार हैं, तो ये बिजनेस आपको सबसे ज्यादा सक्सेस देने वाला है, आपके सारे ड्रीम्स को ये पूरा करने वाला है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको समझिए, इसको अपनी लाइफ में लेकर आइए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।